प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर 35, 33 रहने दीजिए, आपके लिए नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। डन। और बोलो जी, किसी और को कोई और डाउट जो एंट्रेंस में आए में वो करे। 37 देखो होता क्या एक्चुअली, 37 आप कह रहे हो, 33 मना कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं। 37 जो कह रहा है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इतना, इट्स कॉमन डिफरेंस 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। अगर आपको दो तरह क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मैं बात करूँ, एक तो होता है कि अगर आपको एन एच टर्म दे दे 3n+5, क्या दे दे एन एच टर्म, आपसे कह सकता है फर्स्ट टर्म बताओ, आपसे कह सकता है 10th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, आपसे कह सकता है डी बताओ, आपसे कह सकता है नहीं सर सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ, सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ, लाइक दिस सम ऑफ एन टर्म्स बताओ। तो अगर nth टर्म दिया हुआ है और टर्म ही निकलवा रहा है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, n की जगह ये रखना है, जो भी टर्म निकलवा है, n इज व्हाट इट्स पोजीशन। अगर 1 कह रहा है तो n की जगह 1 रख दो, अगर 10 कह रहा है तो 10 रख दो, अगर 20 कह रहा है तो 20 रख दो, तो फिर कुछ नहीं सोचना। मतलब अगर उसने 1 कहा है तो a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 1+5। अगर आपसे कह रहा है 10 तो 10 रख दो, 3 × 10+5। तो समझ में आ रहा है? अगर 20 कह रहा है तो 20 रख दो, 3 × 20+5। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अगर आपसे D निकलवा रहा है, एक तो D आप वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई A1 कितना आया तो A2 निकाल दो, या 10 आया तो 11 निकाल दो, दो लगातार वाली टर्म निकाल दो कॉन्जिक्यूटिव, तो ये हो जाएगा 3 × 2+5 11। अब इनको माइनस कर दो तो D कितना आ जाएगा, 11 - 8 = या वैसे ध्यान रखो अगर nth टर्म दिया हुआ है तो n का जो कोफिशेंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, जो भी n के साथ नंबर आ रहा है ना वो हमारा क्या है, डायरेक्ट, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, अगर nth टर्म क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर वो ap नहीं है, क्या नहीं है, अगर आपने स्क्वायर कर दिया फिर ये ap नहीं रहेगा, वो जो भी कुछ हो बट ap नहीं है, ध्यान है। अब होता क्या है, लेकिन अगर आपसे सम निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, तो एक तो तरीका यही है सबसे आसान, तो कि भाई ए और डी निकाल दो, क्या निकाल दो, ए और डी, सबसे इजी यही है। तो हमारे पास जैसे हम इसे कह रहा है सम निकलवा रहा है या सम ऑफ एन टर्म्स निकलवा रहा है, तो आप डायरेक्ट ए निकाल सकते हैं, तो ए हमारे पास कितना हो गया 3 × 1+5 यानी कि फर्स्ट टर्म, और डी हमारे पास कितना है 3, अब जो चाहे निकालिए। अगर आपसे कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स, क्या कह रहे हैं, तो ये हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है, 10/2 2a 10 - 1 × d, या सम ऑफ 10 टर्म का एक फॉर्मूला वो भी हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना है 10/2, फर्स्ट टर्म कितना आया है 8, टेंथ टर्म भी निकाल दो, कौन सा निकाल दो, तो टेंथ टर्म क्या होगा भाई 3 × 10+5, एक ही तरीका है, ठीक है सर, इस तरह से। अब इसका उल्टा होता है कि नहीं सर हमारे पास क्या है, हमें सम दिया हुआ है एन टर्म्स का, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हो कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू 3n² - n, 3n² - n, और इसमें एक चीज़ और दे दी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देने की जरूरत नहीं थी डी की, बगैर इसके भी काम चल जाता है, फिलहाल मैं बगैर इसके ही कर रहा हूँ कि अगर सम ऑफ एन टर्म दिया हो तो दो चीज़ें हैं, आपसे कहते हैं सम ऑफ 20 टर्म निकालो, सम ऑफ 30 टर्म निकालो, या आपसे कहते हैं फर्स्ट टर्म निकालो, टेंथ टर्म निकालो, या आपसे कहते हैं nth टर्म निकालो। तो अगर सम दिया है और सम ही निकलवा रहा है तो फिर कुछ नहीं करना है, n की जगह क्या रखना है,
20 रख देना है, n की जगह क्या रख देना है 30। अगर यहाँ 20 रख दूँ मैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 20। आगे समझ में सर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 1200 माइनस 20 1180। आगे तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, सीधा रखना है। लेकिन अगर हमें a1 a10 an निकालना है तो है थोड़ा सा, तो कैसे निकालते हैं उसमें दो चीज़ें। एक तो ध्यान रखिएगा एन एन टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस सेन माइनस, ठीक है। अगर आपको एन एन टर्म निकालना है तो सम ऑफ एन टर्म से सम ऑफ एफ एन माइनस टर्म माइनस कर दो। क्यों? इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एस थ्री क्या होगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। एस एन का मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, सम ऑफ n टर्म। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि S3 का क्या मतलब है, तो S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, और S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो अगर इनको मैं माइनस करूँ तो S3 माइनस S2 इज इक्वल्स टू a3, ठीक है सर। 3 में से 2 माइनस कर दिए तो एक ही टर्म बचा है, कौन सा, जो एक्स्ट्रा है थर्ड वाला। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखूँ S5, क्या लिखूँ, तो S5 हो जाएगा a4 a5, और मैं यहाँ लिख दूँ S4 तो क्या हो जाएगा a3 a4। अब मैं माइनस करूँ तो कौन बचेगा, जो एक्स्ट्रा है S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो जो यहाँ एक्स्ट्रा है, 4 तो यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, एक्स्ट्रा कौन है, 5th, तो 5th बचेगा। तो ये सीधा सा फार्मूला होता है। तो एक तो तरीका है कि आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि भाई nth टर्म इज इक्वल्स टू sn माइनस, तो अगर मुझे a10 निकालना है, क्या निकालना है, तो आप लिख सकते हो s10 माइनस s9, s10 माइनस। अब s10 क्या होगा, यहाँ 10 रख दो, और s9 क्या होगा, यहाँ 9 रख दो। तो इसका मतलब ऐसे हो सकता है 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 10, और s9 क्या होगा, 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो गया 100, 300 माइनस 10 290, कितना 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जा 81 3 जा 243 होगा ना, 243 होगा ना सर जी, माइनस 9 243 माइनस 9 234, 2 माइनस कर दो तो 10 4 6, 8 3 5, तो 50। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते, इससे एन एटम भी निकल जाएगा। एन एटम का मतलब क्या हुआ, एस एन कितना है भाई, 3 स्क्वायर माइनस एन माइनस एस एन माइनस 1, जहाँ एन है उसकी जगह क्या रखो, एन माइनस 1 रखो। ध्यान से देख लो इधर, 3 एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, आप क्या निकाल रहे हो, एस एन माइनस 1। तो जहाँ जहाँ एन है उसकी जगह एन माइनस 1 रख रहे हो, रखो भाई से, तो 3 स्क्वायर माइनस एन, इसे ओपन करो, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन, इसे ओपन करो, माइनस एन, ठीक है सर, प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 स्क्वायर माइनस एन माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, हैं, कहाँ पे, क्यों 6 क्यों होगा, पहले तो 3 स्क्वायर है, फालतू की बात, इसे गड़बड़ मत करो, प्लस होगा सर, प्लस 3 होगा ना, बाहर माइनस दिख रहा है, तो 3n स्क्वायर से, ठीक है, माइनस एन से, तो मेरे पास क्या बचा 6n, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये हमारा एन, ठीक है जी। एक तो तरीका ये है फॉर्मूले से, दूसरा तरीका वैसे हो सकता है कि सिंपल, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं सर हम तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं, हम n की जगह 1 रख सकते हैं, एन की जगह क्या रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा S1। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म तो फर्स्ट टर्म होगा,
तो इसका मतलब यहाँ वन रख दो तो थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री माइनस वन एस टू, तो सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ ए वन प्लस ए टू, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू, ट्वेल्व माइनस टू, ये ए वन है, ये ए वन प्लस ए टू है, ए वन की वैल्यू यहाँ रखो, ए वन कितना है, तो टू प्लस ए टू इज इक्वल टू टेन, तो ए टू इज इक्वल टू, तो ए टू कितना है, ए वन कितना है, तो डिफरेंस निकल जाएगा, एट माइनस टू इज, अब अगर हमारे पास ए है और हमारे पास डी है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हमने कहा एनएट टर्म निकालो, तो एनएट टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो गया टू प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स, अभी क्या आया था आंसर, आ गया समझ में, तो चाहे आप उस फॉर्मूले से सोचो चाहे आप उस फॉर्मूले, तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हमसे जैसा एस एन दे रहा था आराम से कहता था फर्स्ट टर्म बताओ, क्या बताओ, तो फर्स्ट टर्म तो वन रख दो उठा के, क्या रख दो टू आ गया, तो कुछ करना ही नहीं था उसमें, तो डी की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, नोट करना चाहो तो कर लो, है जी, क्वेश्चन नंबर 33, 38, 39 काट दी, जिनकी जरूरत नहीं है आपको, 33, 38, 39 then और बोलो कोई क्वेश्चन जी जी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एपी 49, 17 टर्म 289, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 42 जो है, एक तो वैसे ही अगर आप उसमें समझें कॉमन सेंस में कि सम ऑफ सेवन टर्म इज 49 एंड सम ऑफ 17 इज 289, तो व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, तो एक तो ऐसे ही सोचो ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर आएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, सम ऑफ 7 49, 7 का स्क्वायर, सम ऑफ 17 289, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करो, सम ऑफ 7 का मतलब क्या है, सम ऑफ 7 का मतलब है 7 बाई 2 2a 7 माइनस 1 इनटू d, यस और नो, और दिया कितना है, तो ध्यान से देखो इधर 7 से 7 टाइम, 7 से यहां से 2 कॉमन, क्या कॉमन, तो क्या आएगा a प्लस 3d और 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन, ठीक है जी, अब ये क्या है सम ऑफ 17, तो सम ऑफ 17 क्या होगा 17 बाई 2 2a 17 माइनस 1 यही होगा ना भाई, कितना दिया हुआ है 289, प्लीज ध्यान से देखो 17 से ये 17 टाइम जाएगा, 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, ये दूसरा, तो एक इक्वेशन ये है बेटा, एक इक्वेशन माइनस कर दो a से a 3 माइनस 8 माइनस 5, ध्यान रखना 7 माइनस 17, तो d इज इक्वल्स टू, d को 2 यहाँ रखो, 3 2 जा 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल्स टू, आपसे क्या कह रहा था सम ऑफ n टर्म बताओ, सम ऑफ n टर्म क्या होता है n बाई 2, 2a, a कितना आया
एन माइनस वन इन टू डी, डी कितना आया, टू कॉमन ले लो, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचा एन, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचा एन माइनस वन, तो वन से तो एन इन टू एन, फिर क्या करना है? ठीक है जी, और बोलो सर। 43 बताया तो अभी, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, एन एट टर्म दिया हुआ है, एस 24 निकालना है। अभी यही तो समझा रहे, तो क्या समझा रहे थे? फोर्टी थ्री में एन एथ टर्म दिया हुआ, तो एन एथ टर्म क्या दिया हुआ है, थ्री प्लस टू एन, और आपसे कह रहा है एस 24 निकालो, क्या निकालो, तो एस 24 सीधा सीधा सा क्या होगा, या तो 24 बाई टू टू ऐसे कर दो, या फिर सीधा सीधा सा देखो 24 बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस 24 टर्म, क्यों भाई यही होगा ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ कौन सा है, तो अब बताओ 24 बाई टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ वन रख दो, तो 3 प्लस 2 इंटू वन, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, और 24 टर्म क्या हो गया, यहाँ 24 रख दो, समझ में आ रहा है मैं क्या रख रहा हूँ, बस ये आंसर, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ वन यहाँ 24, तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 48 और 3 51, तो 51 प्लस 5 इंटू 12 आ गया जी, जो भी आंसर है सर सही है, समझ में आ रहा है, और बोलो क्या वो डर लग रहा है, है डर लग रहा है जी, मतलब अगर अंडर रूट में है तो उससे डर लग रहा है भाई, अंडर रूट टू अंडर रूट एट अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 आपसे कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स बताओ, पहले तो बताओ कि एपी है या नहीं, हाँ जी डॉक्टर साहब एपी है पक्का, कैसे क्या खोलें बताओ, दूसरी टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी, हाँ वेरी गुड, एक तो यही देखना है कि ये है नहीं, ये है रूट टू, ये है फोर टू जा एट तो टू रूट टू, ये है नाइन टू जा एटीन तो थ्री रूट टू, ये है सिक्सटीन टू जा थर्टी टू तो फोर रूट टू, तो चाहिए पहली चीज़ तो ये समझना है कि ये एपी है, अगर ये एपी है तो ये फर्स्ट टर्म है रूट टू, इसमें से इसे माइनस करो तो टू रूट टू माइनस रूट टू, रूट टू बचा तो इसका डिफरेंस भी रूट टू है, क्या है रूट टू भाई, इस रूट टू की वजह से डर लग रहा है आपको, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि सर ये एक्स है ये टू एक्स है ये थ्री एक्स है ये फोर एक्स है तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा, एक्स का क्या मतलब है, तो उससे क्यों डर रहे हो, तो अब अगर हमें ये मालूम है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो उसमें डर नहीं किया हुआ था, तो हमारा एस एन होगा एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इन टू डी, ये आंसर ये तो है, अब इसे सॉल्व कर दो, रूट टू कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आएगा एन बाई टू रूट टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो टू माइनस वन क्या होता है एन बाई टू रूट टू एन प्लस वन, अब ये देख लो कि ऐसे दिया हुआ है या इसको कैंसिल किया हुआ है, अगर कैंसिल किया हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट टू जाए, तो आंसर क्या होगा एन बाई रूट टू एन प्लस वन, वो तो ऑप्शन में देख के चेक करेंगे कौन सा फॉर्म दिया है कौन सा नहीं दिया, ठीक है जी, तो डरना नहीं है, और बोलो
जीवित है। नाइन आपसे क्या कह रहा है जी, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, देन द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ये भी उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 49। एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए, फिर रीजन भी समझिए। ओके, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इफ डिफरेंस, ठीक है भाई, बिटवीन 100 टर्म इज 100, तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म बताइए, ये क्वेश्चन, ठीक है जी। सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, दिमाग में तो ये आता है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 का डिफरेंस, ये दिमाग कहता है, आसान चीज पकड़ता है ना दिमाग, तो ऐसी कहानी नहीं है। अब क्वेश्चन समझो होता क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो अलग अलग ए पी हैं बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो होता क्या है। मैं अगर वैसे ही कहूँ आपसे कि ये एक ए पी है 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, एक हम ले लें 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, क्लियर है जी। अगर कॉमन डिफरेंस 2 का है तो आप ध्यान से देखो, इसकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितने का आया, सेकंड टर्म में डिफरेंस कितने का आया, थर्ड टर्म में डिफरेंस कितने का आया, फोर्थ टर्म में डिफरेंस कितने का आया, हर जगह 7 का ही आएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट को 3 रुपये दिए, कितने, 3, और एक को दिए 10, शुरू में 3 और, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया। अब हम रोज हर एक को 2 रुपये देते हैं, दोनों क्या देते हैं, रोज, तो रोज जितने मिल रहे हैं वो तो दोनों को मिल रहे हैं बराबर बराबर। आपने जो डिफरेंस शुरू में किया था वो तो कवर नहीं हुआ ना, तो हर जगह वही डिफरेंस बना रहेगा। बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपने शुरू में डिफरेंस बना दिया, अब तो रोज आप बराबर दे रहे हो, तो अभी तो बराबर दे रहे हो लेकिन शुरू में जो डिफरेंस किया था तो वही 7 का कंटिन्यू रहेगा। सर क्लियर है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है हर जगह वही डिफरेंस रहेगा, चेंज नहीं होता। तो अगर 100 टर्म में डिफरेंस 100 का आ रहा है तो 1000 टर्म में भी डिफरेंस 100 का ही आएगा, चाहे देख लीजिए 100 टर्म माइनस 100 टर्म कितना है, तो 1000 टर्म माइनस 1000 टर्म तो भी 100 का ही, हर जगह डिफरेंस कितने का आएगा, इवन फर्स्ट टर्म भी कितने का आएगा। आगे से समझ में होता क्यों, अब ऐसे देख लीजिए, ये तो रीजन है, होता क्या है इधर 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 कि हमारे पास एक एपी ये है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, जिसका कॉमन डिफरेंस ये है, ये ए पी टू है जिसका फर्स्ट टर्म ये है लेकिन कॉमन डिफरेंस यही है, हमसे क्या कह रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो चेंज कहाँ है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो गया फिर तो ए पी भी सेम हो गई, फिर तो दो ए पी हुई नहीं, फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, अब 100 टर्म का मतलब क्या हुआ, ठीक है भाई, ए प्लस 99D और ए प्लस 99D, डी तो दोनों में सेम है, तो 99D से 99D माइनस की से कैंसिल, तो क्या बचा, ए माइनस है, ए माइनस जो मैंने आपसे कहा था, हर जगह वो वाला डिफरेंस आएगा जो उनकी फर्स्ट टर्म में है, जो उनके
अब आपसे कह रहा नहीं सर थाउजेंड टर्म देखो, तो जरा देखना इधर, थाउजेंड टर्म माइनस थाउजेंड टर्म, तो ए प्लस नाइन 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 डी माइनस ए प्लस नाइन 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 डी, फिर इस माइनस से ये डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सर, आगे सर। तो जब उसने कह दिया था कि भाई हंड्रेड टर्म का डिफरेंस जो है हंड्रेड है, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस हंड्रेड ही आएगा, तो हर जगह यही डिफरेंस बचा रहेगा। आगे जी और बोल है? बस हंड्रेड आंसर आएगा, क्या क्या बेटे? हाँ एनसीईआरटी, और बोलो एंट्रेंस में सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, टेंशन ना लो, इसीलिए तो कह रहा हूँ एंट्रेंस वाले देखो जितने भी देखने, बताइए चलो एक क्वेश्चन, एक क्या दो क्वेश्चन करके बताओ, देखूं कितने पानी में हूँ है? दो क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है भाई, चलो इधर देखो, बताओ बताओ सर, दो क्वेश्चन, दो मिनट हैं सिर्फ, एक क्वेश्चन एक मिनट, थ्री फाइव सेवन नाइन सेवन नाइन इलेवन, थर्टी टर्म्स हैं, इनका सम निकालना, व्हाट इज द सम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देर आर इलेवन टर्म्स ऑफ इलेवन, देर आर इलेवन टर्म्स, इफ सिक्स टर्म इज टेन व्हाट इज द देयर सम। There are 11 terms in an AP. In an AP, if sixth term is 10, what is their sum? 20 second हो चुके, 25 second. हंसते रहो, मुझे क्या चाहिए? बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे एग्जाम देने, स्मार्ट स्मार्ट हैंडसम, ठीक है जी, गाड़ियों से, बढ़िया कपड़े पहन के, बड़े अच्छे स्कूल से, तो कंपटीशन तो उन्हीं से करना पड़ेगा ना सर, काम उससे आएगा जो अच्छा करता होगा। जिसका दिमाग चलता होगा, 45 सेकंड्स, फर्स्ट वाले का, वेरी गुड, चलो देखेंगे, पता नहीं मेरे को, तीस सेकेंड आपके पास, जी कोई आंसर आया, कौन सा पिछले पहले का कितना है,
945 पहले का, आपका कितना आ रहा है? 960 आ रहा है पहले का. वेरी गुड. दूसरे का 10 सेकंड रह रहे हैं. हाँ जी, किसी का आंसर आया? कितना सेकंड का आ गया? गुड. चलो, किसी ने फर्स्ट किया, किसी ने सेकंड. सही क्या गलत बाद में सोचेंगे. जी सर. अच्छा चलो, टाइम ओवर. हाँ जी सर, बताओ पहला कैसे किया, फर्स्ट कैसे किया आप? कौन सा फॉर्मूला? क्यों यहाँ भी टू आ रहा है? यहाँ टू आ रहा है. एपी है? क्यों? एक इंटू एन प्लस वन बाई टू क्यों कर देंगे? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू किसका होता है? अच्छा, इवन का होता है. अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह. हाँ जी, कैसा है, कैसे सॉल्व किया पहला? बोलो कैसे सॉल्व किया पहला? बहुत अच्छा. और किसने किया पहला? हाँ जी सर, कैसे किया? कैसे? कॉमन डिफरेंस. किसका कॉमन डिफरेंस देखा? इसका कॉमन डिफरेंस है. इसका क्या है कॉमन डिफरेंस? ये आपको सही एपी दिख रहा है. क्या टाइम हो रहा? मेरी क्लास के बाद आना, अब वेट करो जी. ये एपी है? नो नहीं है. सर है तो सर. है कैसे होता? सर 5 - 3 = 8 - 11. यहाँ प्लस हो रहा है नालायक या माइनस हो गया? सर टर्म तो टर्म. तो टर्म तो टर्म है, वही तो कह रहा हूँ. यहाँ प्लस हो रहा था या माइनस हो गया जी साहब? एपी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, दोनों चलता नहीं. प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे. हर जगह सेम होना चाहिए ना जी. यहाँ प्लस टू है, यहाँ प्लस टू है. नहीं सर, यहाँ माइनस टू है. अब हमारी मर्जी गलत हो गई सर. अच्छा सर, यहाँ फिर प्लस टू है. बेवकूफ़ बन रहा है कुछ. हाँ जी डॉक्टर साहब, कर रहे हैं, पता है नहीं सर. अगर पता ना हो तो गलत नहीं करना है, याद बना लो. जब तक दिमाग लगाओ, जब तक वो सही चल रहा है. गलत कर रहे हैं तो मत करो, रुक जाओ, स्टॉप. एटलीस्ट यहाँ क्लास में प्रैक्टिस करते हुए. हाँ जी, इसका 110 कैसा आया बताओ ना मुझे. क्या किया आपने वो बताइए मुझे ऐसे ही. हाँ, एक ही निकल गई वैल्यू, डी तो आया ही नहीं इसमें. वाह मुबारक. आओ सर, हो गया जी, बस इतना ही बहुत है. सर एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये एपी है लेकिन ये तीन एपी एक साथ चल रहे हैं. कितने एपी? 357 579 7911. आगे समझे? तो यहाँ से दिमाग से देखा करो, हो गया कहाँ से होगा, जब से नहीं समझ में आ रहा था. अगर तीन एपी एक साथ चल रहे हैं तो दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि पहले वाले एपी को अलग कर दो, दूसरे वाले एपी को अलग कर दो, तीसरे वाले एपी को अलग कर दो. पहले एपी को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को. एक तरीका तो ये है, ठीक है. लेकिन आपने एपी को अलग किया तो टर्म्स कितने हैं? तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? तो हर एक के 10 टर्म्स हो, हर एक के. तो इसका सम अलग, इसका सम अलग, इसका सम अलग, फिर निकालो क्या आएगा. पहली चीज. दूसरी चीज क्या होती है?